घमंड तो रावण का भी नहीं चला था। एक छोटे शहर में किराएदारों के लिए दो दो कमरों का मोहल्ला बसाया हुआ था। मकान मालिक बहुत अमीर थे। उन्होंने कॉलोनी का नाम अपनी पत्नी के नाम से रखा था, रमा सदन। रमा जी बहुत ही कठोर और कड़क मिजाज वाली घमंडी महिला थी। उन्हें अपने तीन बेटों और दो बेटियों पर बहुत घमंड था। सबसे ज्यादा वो अपने बीच वाले बेटे रोहन से बहुत प्यार करती थी। रोहन उनका लाडला बिगड़ैल बेटा था। उसकी कोई भी शिकायत वो सुन नहीं सकती थी। खैर, बेटियां तो अपने भाइयों की देखभाल करने और घरेलू कार्य करने के लिए ही थी। उनके सदन में एक मध्यम वर्गीय परिवार अपनी एक बेटी और दो बेटों के साथ रहने के लिए आया। बेटी बड़ी थी, वह 10वीं कक्षा में थी। बेटे छोटे थे। रमा जी रात में कई फेरे मोहल्ले के लगाती थी। किसकी बिजली जल रही है, कौन कितने बजे आ रहा है, कौन जा रहा है, इन सब की निगरानी करती और सुबह सबके सामने खूब धुलाई करती। सब उनसे बहुत डरते थे। उनको किराया माँ के प्रथम सप्ताह में ही मिल जाए, वरना खैर नहीं। एक दिन नए किराएदार की बेटी सपना ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, वो रोहन स्कूल से आते जाते मेरा पीछा करता है और गंदे गाने गाता है। माँ माला ने उसकी शिकायत मकान मालकिन रमा जी से की। रमा जी ये सब सुनते ही गुस्सा कर बोली, खबरदार, मेरे बेटे को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा बेटा ऐसी होची हरकत कर ही नहीं सकता। बेचारी माला चुपचाप चली आई और बेटी को उससे बचने की सलाह दी। एक दिन जब सपना स्कूल से आ रही थी तो रोहन ने उसका रास्ता रोक लिया, फिर पीछे से उसका दुपट्टा खींच लिया। किसी तरह वो अपना दुपट्टा छुड़ाकर रोते हुए भागी चली आई। घर आके उसने माँ को सब बताया। माँ माला गुस्से में गई और रमा जी से सब बताया, पर रमा को अपने बेटे पर अंधविश्वास था। अपना रुद्र रूप दिखाते हुए बोली, हद कर दिया तुम लोगों ने। अरे, अपनी लड़की संभलती नहीं और मुंह उठाकर चली आती हो उलाना लेकर। रहना है रहो चुपचाप, वरना घर खाली कर दो। यह कहते हुए गुस्से में जिस लोटे से सूरज और तुलसी को अर्घ देने जा रही थी उसी से अपने पैरों में जल उड़ेर कर लोटा फेंक दिया। माला ने यह देखकर कहा, किस बात पर इतना घमंड है आपको? अरे, धरती पर ही रहिए, आसमान पर मत उड़िए। घमंड तो रावण का भी नहीं चला था, तो आप किस खेत की मूली हैं? हम गरीब जरूर हैं, पर हमारा भी आत्मसम्मान है, हमारी भी इज्जत है, कहकर आंसू पोंछते हुए माला जी चली गई। एक महीने बाद रमा जी के घर में हाहाकार मचा हुआ था। खूब रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ये सब देखने के लिए सब चोल वाले भागे। क्या हुआ, इतना कारुणिक रुदन? सबके आंखों से आंसू बहने लगे। वहां जाके देखा तो रमा जी अपना सिर पीट पीट कर बिलक बिलक कर रो रही थी और अपना आपा खो चुकी थी। कारण पूछने पर पता चला कि रोहन को रमाबाई बीच बीच में अपने गांव फसल का पैसा उगाने और बाग बगीचे की देखभाल करने के लिए भेज देती थी। वह कई कई दिन गांव में अपने मकान में पड़ा रहता था। उसकी शादी अगले माह होने वाली थी। वो वही गांव गया था। वहां की एक लड़की के साथ उसका संबंध बन गया था। अब वो गर्भवती हो गई है। ये जानकर गांव वालों ने उसे घेर लिया और मारने पीटने लगे। भागकर किसी तरह अपने घर में घुसकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। गांव वालों ने दरवाजा पीटना शुरू किया, निकल बाहर लफंगे, वरना दरवाजा तोड़ डालेंगे। इतने में किसी ने कहा, अरे पुलिस बुलाओ, इसके परिवार वालों को जाकर ले आओ। ये सब सुनकर रोहन घबरा गया। जब लोग दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो सबकी बोलती बंद हो गई।
सब लोग आंखें फाड़कर छत से लटके रोहन को देखकर हतप्रभव रह गए। रोहन फांसी पर झूल रहा था। यह सब सुनकर सब सांत्वना देने के बजाय चुपचाप खिसकने लगे। माला के साथी सब कहने लगे, काश समय रहते उस लड़के पर अंकुश लगा देती तो आज ऐसी नौबत ना आती। सारे गांव और शहर में इनकी इज्जत मान सम्मान की धज्जियां उड़ रही हैं। सही कहा गया है, घमंड तो भगवान का आहार है। हमें कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को अपमानजनक बातें कहकर उसका दिल दुखाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।